प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट वन पेपर वन क्वेश्चन बैंक 2012 ऑब्जेक्टिव तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर के लिए पढ़ाई करेंगे, जिसमें मैं एक ऑब्जेक्टिव को लिख चुका हूं। आइए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है लिखा हुआ है कि इफ आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर देन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज वन वन ऑन टू वन वन इंटू मैनी वन इंटू नन ऑफ दिस। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैपिंग आपका किस प्रकार से डिफाइंड है। तो मैपिंग आपका डिफाइंड है, देखिए सॉल्यूशन मैपिंग आपका डिफाइंड है रियल नंबर आर से रियल नंबर आर में किस प्रकार से एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, समझ गए। तो हम लोगों को क्या दिखाना है, हम लोगों को दिखाना है कि आपका वन वन ऑन टू इन टू मैनी वन के बारे में बात करनी है। पहले आप एक फोटो बना लीजिए इस तरह से, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये आपका मैपिंग एफ। एक्स का इमेज कितना मिल रहा है, मॉड एक्स। एक्स का इमेज मिल रहा है मॉड एक्स। तो सबसे पहले वन वन के लिए काम कीजिए, वन वन लेट क्या तरीका है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू आर इस सेट का होगा। तो देखिएगा तो कितना मिल जाएगा, इंप्लाइज मॉड एक्स वन बराबर कितना हो गया मॉड एक्स टू। ये डज नॉट इंप्लाई होता है एक्स वन बराबर एक्स टू, बोलिए क्यों, क्योंकि टू बराबर होता है माइनस टू, बट टू कतई भी बराबर नहीं होता है माइनस टू का, समझ गए। इसका मतलब ये फंक्शन आपका वन वन नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, ये इंप्लाई नहीं किया ना, इंप्लाई कर जाता एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो एक्स वन बराबर एक्स टू होता तो ये फंक्शन क्या हो जाता है वन वन, लेकिन ये इंप्लाई नहीं नहीं किया, इसका मतलब हो गया कि एफ वन वन नहीं है। देयरफोर एफ इज नॉट वन वन। अब आपको चेक करना है ऑन टू के लिए, अब देखिए ऑन टू के लिए याद रहे जो फंक्शन वन वन में होता है वो मैनी वन होता है, दैट इज एफ इज मैनी वन, जो वन वन नहीं होगा मैनी वन होगा। ऑन टू में देखे तो ऑन टू में हम लोग रेंज की बात करते हैं, तो रेंज बराबर देखिए क्या होगा, रेंज यदि कोडोमेन के बराबर हो जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है ऑन टू, समझ गए। रेंज किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन के बराबर, ये भाई साहब कहलाता है डोमेन, ये कहलाता है कोडोमेन, और जिसका जिसका इमेज यहां पर होता है उसको क्या बोलते हैं रेंज। रेंज का मतलब होता है एक भी ऐसा एलिमेंट यहां पर नहीं रहे जिसका इधर कोई प्री इमेज न हो, यानी कि रेंज किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर, समझ गए। रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन के बराबर। तो देखिए ना यहां पर किसी भी तरह से आप एलिमेंट लीजिएगा, ये मॉड के वजह से वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि यहां पर किसी भी नेगेटिव नंबर का इधर कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा, मिलेगा यहां पर किसी भी नेगेटिव एलिमेंट का इधर कोई प्री इमेज मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी कि रेंज किसके बराबर हो गया जीरो से इंफिनिटी, किसके बराबर जीरो से इंफिनिटी, नेगेटिव आपको नहीं मिल रहा है, यानी कि इज नॉट इक्वल टू रियल नंबर। कहने का मतलब है कि रेंज कोर डोमेन के बराबर नहीं हुआ, देयरफोर एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं हुआ, दैट इज एफ इज इन टू, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है वो फंक्शन इन टू होता है, तो मैनी वन इन टू हो गया। तो मैनी वन इन टू कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थ्री, इसको आप नोट।
देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इफ अल्फा बीटा एन गामा विद रूट्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। बताइए किस बुक का है ये? थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ इक्वेशन, एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू जीरो, बोले तो समेशन अल्फा यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? माइनस वन पे पावर वन, और नीचे हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर हाईएस्ट पावर, ऊपर हो गया कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर थ्री माइनस ये वाला। तो देखिए तो कितना हो गया ये आपका हो गया, ये तो माइनस हो गया, और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट कितना है? तो पी है, और नीचे एक्स का कोफिशियंट वन है, यानी कि सिंपली कितना हो गया? पी। समझ गए? ये सिंपली पी हो गया। फिर देखिए अब आपको समेशन अल्फा बीटा निकालना है। समेशन अल्फा बीटा यानी कि अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा माइनस वन पे पावर दो, दो रूट लेके चले तो दो, नीचे आपका हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट पावर, और ऊपर हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर थ्री, और इसमें से ये वाला पावर घट जाएगा। ये तो प्लस हो गया, ऊपर x पे पावर 1 यानी कि x जिसका कितना है q, और x क्यूब का तो 1 है, सिंपली आपको क्या मिल गया? q मिल गया। और अब अल्फा बीटा गामा में तो समेशन लगेगा नहीं, क्योंकि तीन ही रूट है, तीन पावर है, तो मैक्सिमम कितना रूट मिलेगा? तीन रूट मिलेगा। तो समेशन अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस वन पे पावर थ्री, नीचे कोफिशियंट ऑफ x क्यूब, और ऊपर कोफिशियंट ऑफ एक्स पे पावर थ्री में से ये वाला पावर घटा देंगे। ये तो माइनस हो गया ना, और तीन से तीन गया जीरो, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आपका आर है, और एक्स क्यूब का कोफिशियंट तो आपका वन है, यानी कि सिंपली आपको कितना मिल गया? आर मिल गया, माइनस आर मिल गया। समझ गए क्या मिल गया? माइनस आर। लेकिन हम लोगों से जो पूछ रहा है इसमें से एक भी नहीं है, ये चीज निकालने के लिए हम लोगों को निकालना पड़ेगा इस प्रकार से, समेशन अल्फा की स्क्वायर पहले आपको निकालना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। ये नहीं निकाले हैं समेशन अल्फा का होल स्क्वायर, कहाँ निकाले? आपको निकालना पड़ेगा समेशन अल्फा का स्क्वायर, ये डायरेक्ट नहीं मिलता। इसका होल स्क्वायर निकाले, इसका होल स्क्वायर करेंगे हो जाएगा, लेकिन हमको समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पहले निकालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। देखिए आपका ये कैसे लिख सकते हैं इसको, बोले अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा अल्फा गामा और बीटा गामा, हाँ यानी बीटा गामा। अब देखिए समेशन अल्फा का वैल्यू कितना निकाले है? माइनस पी, तो कहने का मतलब है माइनस पी का स्क्वायर, और यहां से ये आपका हो गया समेशन अल्फा स्क्वायर। इसको क्या बोलिएगा? समेशन अल्फा स्क्वायर। समझ गए क्या बोलिएगा? समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसका वैल्यू निकाले है ना, क्या निकाले है? क्यू। कहने का मतलब है इसको आप निकालिएगा समेशन अल्फा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये तो पी स्क्वायर हो गया ना, और टू क्यू उधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस टू क्यू। एक हम लोग वैल्यू निकाल लिए, इसकी जरूरत है नहीं, फिर भी आने वाले हो सकता है ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी पूछ दे, तो ये हम आपके लिए निकाल लिए। फिर देखें हम लोगों को ये वाला निकालना है, उसके लिए समेशन अल्फा बीटा का आपको होल स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा, यानी अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर, हाँ या नहीं, प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, समझ गए, अल्फा बीटा इंटू अल्फा गामा प्लस ए सी, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू आपका हो गया बीटा गामा प्लस बी सी, यानी कि अल्फा गामा इंटू कितना हो गया बीटा गामा। ठीक, अब देखिए समेशन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आपको मालूम है ना, ये किसके बराबर है, ये क्यू के बराबर है, ये आपका कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया बोले तो क्यू स्क्वायर बराबर। अब आप लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर बराबर, अब ये भाई साहब को आप लिख सकते हैं समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, समझ गए, इसको आप क्या लिख सकते हैं समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही आपसे मांग रहा था, प्लस ट्वाइस ऑफ, देखिए अल्फा बीटा गामा आपका कॉमन आ रहा है, अल्फा बीटा आपका गामा क्या आ रहा है कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा अल्फा, दो बार है ना अल्फा, यहाँ पे दो बार बीटा है क्या बचेगा बीटा, दो बार गामा है क्या बचेगा गामा, तो अब देखिए तो कितना हो गया क्यू स्क्वायर बराबर समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आप जानते हैं ना, ये किसके बराबर है, ये माइनस आर के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, ये माइनस पी के बराबर है, ये माइनस हो गया पी। अब देखिए आपको क्या मिला, तो आपको क्या निकलना समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इधर क्यू स्क्वायर हो ये गया, ये माइनस बी माइनस प्लस, टू पी आर प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस टू पी आर हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस टू पी आर, क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर, क्यू स्क्वायर माइनस टू पी आर ऑप्शन नंबर टू। हम आपको ये वाला इसलिए भी निकाल कर दिखा दिए क्योंकि ये भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं, आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है, इफ एक्स आर इक्वल टू कॉस पाई बाय टू पे पावर आर प्लस आई साइन पाई बाय टू पे पावर आर, देन एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू डॉट 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 कहां तक इनफिनाइट तक इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, जीरो वन माइनस वन नन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए सॉल्यूशन, तो x1, x2, x3 कहां तक इनफिनाइट तक है, x1 के वैल्यू रख दीजिए तो बोलिए तो कितना हो जाएगा cos पाई बाय टू, हाँ या नहीं, कितना हो जाएगा बोलिए तो cos पाई बाय टू प्लस i sin पाई बाय टू, r के जगह पे एक रख लिए ना, हाँ या नहीं, यहाँ पर r के जगह पे कितना है एक है, एक रख लिए, फिर r के जगह पे दो रख लीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो cos pi by 2 स्क्वायर प्लस i sin pi by 2 स्क्वायर, फिर r के जगह पे तीन रख लीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए तो cos pi by 2 क्यूब प्लस i sin pi by 2 क्यूब, इस तरह से आपका इनफिनिटी तक जाएगा। और याद कीजिए जी मोहबर्ट थ्योरम में क्या पढ़े हम लोग, ये सब का एंगल क्या हो जाएगा जुट जाएगा, समझिए डी मोहबर्ट थ्योरम से ये सब का एंगल कितना हो जाएगा जुट जाएगा, तो कैसे होगा बोलिए तो इंप्लाइज इक्वल टू हो गया कॉस पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू का स्क्वायर प्लस पाई बाय टू क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और फिर आपका हो जाएगा प्लस आई साइन पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू स्क्वायर प्लस पाई बाय टू क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, समझ गए, इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ऐसा कीजिए ना कॉस यहां से पाई बाय टू आप ले लीजिए कॉमन, पाई बाय टू कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा वन प्लस वन बाय टू स्क्वायर ना, हाँ या नहीं, क्योंकि पाई बाय टू आप कॉमन ले चुके हैं प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर यहां पे साइन
आप पाई बाय टू को कॉमन ले लीजिए, वन प्लस पाई तो नहीं होगा, वन बाय टू प्लस वन बाय टू स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा? इनफिनिट तक। याद कीजिए हम लोग पढ़े हैं, हम लोग क्या पढ़े हैं इस प्रकार से, समझ गए? हम लोग पढ़े हैं कि ये देखे तो है किसमें, एक एक बटे दो, एक बटे दो स्क्वायर डॉट 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 है, जीपी में है ना, क्योंकि बाद वाला बटे पहला वाला वन बाय टू मिला, बाद वाला बटे पहला वाला क्या मिला, वन बाय टू, यानी कि जीपी में है। किसमें दिया हुआ है, वन वन बाय टू, वन बाय टू स्क्वायर डॉट 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 इनफिनिट तक, ये किसमें दिया हुआ है, जीपी में, जहां पर ए बराबर कितना है वन, और आपका आर बराबर कितना है वन बाय टू, एक बटे दो में एक से भाग दीजिएगा एक बटे दो, और जीपी के सम सम ऑफ इनफिनिट सीरीज, जीपी का सम ऑफ इनफिनिट सीरीज क्या होता है, ए बाय वन माइनस आर, कितना होता है ए बाय वन माइनस आर। तो यहां पर फर्स्ट टर्म आपका कितना है वन, वन माइनस आर, आर कितना है हाफ, तो वन बाय हाफ हो गया, यानी कि किसके बराबर, टू के बराबर, समझ गए, किसके बराबर आपका हो गया टू के बराबर। तो यहां पर आप बराबर में क्या लिख सकते हैं, बोले तो कॉस पाई बाय टू है ना, और किससे गुना हो जाएगा टू से, ये सब का वैल्यू टू मिल गया, प्लस आई साइन पाई बाय टू है, और किससे गुना हो जाएगा टू से, टू टू कैंसिल, यानी कि कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, तो कॉस 180 प्लस जीरो माइनस कॉस जीरो है या नहीं, कॉस 180 प्लस जीरो मतलब कितना, माइनस कॉस जीरो, यानी कि हो गया माइनस वन प्लस आई साइन 180 माइनस जीरो साइन जीरो जीरो, यानी कि वैल्यू कितना मिला माइनस वन, समझ गए, वैल्यू माइनस वन, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया फिर, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या है डी नंबर, कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज इज, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का प्रोडक्ट क्या होता है, यह आपका एक थ्योरी है, वो थ्योरी आपका है कि वो मैट्रिक्स आपका हो जाता है सिमेट्रिक, समझिए, यानी कि ए आपका कोई मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज है, तो ए और ए ट्रांसपोज को आप इनटू कीजिएगा, ये क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ये आपका एक थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू वन माइनस वन टू टू जीरो वन वन टू माइनस थ्री, इसका हम लोगों को निकालना है रैंक, आइए हम लोग रैंक निकालते हैं। सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए कि डिटरमिनेंट क्या, हाँ जीरो के बराबर नहीं होगा तो रैंक कितना हो जाएगा तीन, ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा वन माइनस वन टू टू जीरो वन वन टू माइनस थ्री प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड कर दीजिए प्लस वन ये और ये खत्म, इधर जीरो इधर आपका माइनस टू जीरो माइनस टू ये और ये खत्म, इस तरफ आपका थ्री माइनस फोर प्लस वन ये और ये खत्म माइनस वन माइनस जीरो, यानी कि ए का डिटरमिनेंट माइनस टू, ये कितना हो गया माइनस वन माइनस थ्री माइनस प्लस टू और ये आपका कितना हो गया माइनस वन, यही ना माइनस वन टू टू कैंसिल, यानी कि ए का डिटरमिनेंट कितना हो गया माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब रैंक कितना हो गया थ्री, देयरफोर रैंक ऑफ ए
रैंक ऑफ ए इक्वल टू हो गया 3, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। तो फिर ट्राई करते हैं, कल बताए तो थे ऐसा एक क्वेश्चन, बताया था ना, तो फिर दो ऑर्डर के लिए ट्राई करते हैं, दो रैंक के लिए या फिर एक रैंक के लिए ट्राई करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, द सिमेट्रिक ग्रुप P3 इज ऑफ ऑर्डर, सिमेट्रिक ग्रुप P3 का बोलता है ऑर्डर क्या होगा, सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप आपका एक ही होता है, समझ गए, सिमेट्रिक ग्रुप या परमुटेशन ग्रुप एक ही होता है, कहता है P3 का क्या ऑर्डर होगा। तो एक थ्योरी है, पहले एक थ्योरी को समझना पड़ेगा, वो थ्योरी ये है कि द सेट Pn ऑफ ऑल परमुटेशंस ऑफ n सिंबल इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर फैक्टोरियल n, यानी कि जो सफिक्स में होता है ना उसी का क्या हो जाता है फैक्टोरियल, क्या हो जाता है उसका फैक्टोरियल, तो यहां पर सफिक्स में कितना है 3 है, तो आपको कितना इसका ऑर्डर मिलेगा फैक्टोरियल 3, यानी कि ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल टू फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 × 2 × 2 = 6, यानी कि इसका फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो इसका आपका ऑर्डर हो जाएगा 6, समझ गए, ऑर्डर इसका हो जाएगा 6। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ 5 डिनोट्स द यूलर 5 फंक्शन देन 5 8 इज, 5 क्या डिनोट करता है यूलर 5 फंक्शन को, तो 5 8 क्या होगा, ये भी आपका एक थ्योरी है, यूलर्स 5 फंक्शन का क्या थ्योरी है, क्या डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन इस प्रकार से है, द यूलर्स 5 फंक्शन इज द फंक्शन 5 फ्रॉम z+ to z+ डिफाइंड एज 5 1 = 1 होगा, एंड जब n का मान 1 से बड़ा होगा और n आपका z प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होगा, तब 5n बराबर हो जाएगा द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन n, वो नंबर जो कि n से छोटा हो, साथ ही साथ रिलेटिवली प्राइम टू n, और n के साथ वो क्या हो प्राइम हो, समझ गए, n के साथ क्या हो प्राइम हो, जैसे यहां पर देख लीजिए कि आपका यहां पर कितना है नंबर 8 है, नंबर कितना है 8 है, समझ गए 8 है, 8 से छोटा क्या क्या नंबर हुआ, तो 1 से छोटा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 से छोटा नंबर हुआ। अब बताइए कि 8 के साथ प्राइम कौन कौन है, 8 के साथ 1 प्राइम है, आवाज है ना, ये 2 नहीं है, 1 के साथ फिर कौन सा प्राइम है 3, क्योंकि 3 और 8 में आपका 1 के अलावा कुछ भी फैक्टर नहीं है, रिलेटिवली प्राइम का मतलब दो संख्या के बीच में फैक्टर कितना होना चाहिए 1, और 1 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं हो उसको रिलेटिवली प्राइम बोलते हैं, समझ गए, 8 और 3 में एक ही फैक्टर है, 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, ये प्राइम हो गया, 4 में हो सकता है, फिर कितना होगा 5 और कितना होगा 7, एक ऐसा संख्या मिला 1 2 3 4, कहने का मतलब है कि 5 8 बराबर कितना हो गया 4, 5 8 बराबर कितना 4, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है, ये आपका थ्योरी है, इसी थ्योरी से क्वेश्चन बनता है, लिखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है क्या, इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड ए इज एनी इंटीजर देन, पी आपका प्राइम नंबर है और ए एनी इंटीजर है, तो क्या होता है, a पे पावर p इज congruent टू a modulo p, क्या हो जाता है, a पे पावर p इज congruent टू a modulo p, ये आपका जो है ये आपका एक थ्योरी है फॉर्मेट्स थ्योरम, समझ गए, ये क्या थ्योरम है, ये थ्योरम है आपका फॉर्मेट्स थ्योरम, ये थ्योरी है मॉडर्न अलजेब्रा में जिसको हम लोग पढ़े हैं, If p is a prime number and a is any integer, then a पे power p is congruent to a modulo p, ठीक है, इस प्रकार से आपका खत्म होता है। तो आइए
फिर हम लोग अगले सेशन के लिए तैयार होते हैं।